दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ 4000 रुपये का सोलर खरीद के दोस्तों आप अपने महीने का बिजली बिल जो है वो एकदम 0 रुपये कर सकते हो। ये सब कुछ दोस्तों किस तरह से करना है मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, जब से मैंने अपना सोलर पैनल खरीदा हुआ है तब से मेरा बिजली बिल जो है वो भी एकदम 0 हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं किस तरह से हमें अपना जो बिजली बिल है वो 0 करना है। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पीछे एक सोलर लगा हुआ है और वो सोलर मैंने खरीदा हुआ है दोस्तों का 105 वाट का। दोस्तों करीब 8 महीने पहले ये सोलर को मैंने परचेस किया था, उस समय दोस्तों इसका प्राइस था 3900, लेकिन दोस्तों अभी इसका जो प्राइस है वो 4100 या 4200 में आपको इजीली मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप अपने घर में एक सेलिंग पंखा 24 घंटा और दोस्तों एक टीवी 8 से 10 घंटा और 2-4 एलईडी लाइट जलाना चाहते हो तो आपका बिजली बिल जो है वो एकदम 0 आएगा, अगर दोस्तों आप इस सोलर पैनल को इस्तेमाल करते हो तो। मतलब कि दोस्तों 4000 रुपये का ही सोलर पैनल अगर आप खरीदते हो तो आप हर महीने का दोस्तों जो अपना बिजली बिल है जो 500 से 700 रुपये आते होंगे, जो कि एक पंखा और एक टीवी और 4-5 एलईडी लाइट अगर जलाते हो तो 600-700 रुपये आपका बिजली बिल जो है वो आता ही होगा। अब हमारे बिहार के हिसाब से दोस्तों बोल रहे हैं तो इसीलिए दोस्तों आप इस सोलर का अगर आप खरीदते हो तो आपका जो बिजली बिल है वो 0 हो जाएगा। तो सोलर को किस तरह से सही से इस्तेमाल करना है दोस्तों ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और किस तरह से हम 0 रुपए बिजली बिल अपना मंगा सकते हैं ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हाँ दोस्तों, सोलर पैनल से रिलेटेड मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके आप सारे वीडियोज को देख सकते हो। फ्रेंड्स, हम बता देते हैं कि हम इस सोलर पैनल से कौन कौन से डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर में बहुत सारा डिवाइस है, जैसे 2 टीवी चलता है, 2 सेलिंग पंखा भी चलता है, एक कूलर भी चलता है और बहुत सारे एलईडी लाइट्स भी चलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस सोलर का उपयोग जो है वो हम दिन में ही कर पाते हैं, जितना देर धूप रहता है उतना ही देर। अगर दोस्तों आप 150 एम्पीयर की कोई बैटरी लेते हो तो ये सोलर क्या करेगा, दिन भर आपकी बैटरी को इतना चार्ज कर देगा कि आप रात में भी आराम से 12 घंटा आप अपना सेलिंग पंखा चला सकते हो। तो आपके लिए दोस्तों अगर एक सेलिंग पंखा चलाते हो और एक टीवी चलाते हो 8 से 10 घंटा तो एक सोलर पैनल काफ़ी है। इसीलिए दोस्तों हमारे घर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं तो इसी वजह से हम इस सोलर पैनल का उपयोग जो है वो दिन भर ही करते हैं, रात में दोस्तों हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। तो वही दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने का एक और बड़ा कारण दोस्तों ये है कि हमारे घर में रात भर एसी चलता है, तो दोस्तों एसी तो हम चला नहीं सकते हैं अपने सोलर पैनल से, तो इसीलिए दोस्तों हम पूरे दिन भर भी अपने सोलर पैनल का यूज़ करते हैं और अपना जो बिजली बिल है एटलीस्ट 50% तो हम कम कर ही लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि मैंने किस तरह से अपने घर में कनेक्शन किया है। दोस्तों जैसा मैंने कनेक्शन किया है सेम टू सेम आपको वैसे ही करना होगा, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स, सोलर पैनल से रिलेटेड मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपके सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इंटरेस्टिंग वीडियो हम शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा सोलर पैनल जो कि बड़ा वाला सोलर है 105 वाट का, और एक और छोटा सा सोलर है दोस्तों जो कि 20 वाट का ही है। इसको लगाने और ना लगाने से कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देख सकते हो दोस्तों ये बड़ा वाला सोलर है, अब इसको थोड़ा सा मैं पास में जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो लुमिनस का ब्रांड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा दोस्तों मैं सोलर को पीछे में जाकर दिखा देता हूँ कि कौन सी कंपनी का सोलर है, आपको सब कुछ दिख जाएगा कितना एम्पीयर आउटपुट सप्लाई देता है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर इसका जो आउटपुट एम्पीयर है 5.88 एम्पीयर है और ये 105 वाट का सोलर पैनल है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका कनेक्शन दिखाते हैं किस तरह से करना है। सो गाइस, ये रहा हमारे घर का बैटरी और यूपीएस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं सोलर पैनल का किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ जिसका 50% जो बिजली बिल है वो कमाता है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये जो दोनों वायर आपको दिख रहा है ये सोलर पैनल के थ्रू आया हुआ है, और ये एक मैंने एम्पियर मीटर लगा रखा है ताकि हमें समय समय से पता चलते रहे कि हमारे सोलर है कितने एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। अभी दोस्तों शाम का टाइम है तो धूप चला गया है, इसीलिए ये पूरा 0 पे आ चुका है। अब यहाँ पर इसके बाद कनेक्शन हुआ है दोस्तों एक कंट्रोलर का। अब कंट्रोलर क्या है दोस्तों, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, उसके सब कुछ इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये दोनों वायर जो है हमारे बैटरी के साथ कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो 150 एम्पीयर का जो है सोलर 150 एम्पीयर का जो है वो मैं बैटरी इस्तेमाल करता हूँ। मैं माइक्रोटेक का दोस्तों एक यूपीएस भी रखा हूँ,
यूपीएस का सिर्फ इतना ही काम है दोस्तों कि ये हमारे बैटरी से लेकर के हमारे पूरे घर में सप्लाई दे, काम दोनों होता है दोस्तों, लेकिन हम सिर्फ एक ही काम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे बैटरी वाला जो स्टोर है उसको हमारे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हमारे घर में सप्लाई दे। यहाँ पर देख सकते हो अगर इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो यूपीएस चार्ज होने लगता है, लेकिन अभी सिर्फ यूपीएस ऑन मोड में है। और बाकी दोस्तों मैंने अपने घर का जो सप्लाई है वो काट दिया है, देख सकते हो बोर्ड में लाइट नहीं है लेकिन सारे स्विचेस जो हैं वो ऑन है। देख सकते हो हमारे कमरे में दोस्तों सारा लाइट्स जल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर देख सकते हो एक 40 वाट का एलईडी लाइट है, एक सीलिंग पंखा चल रहा है और एक और छोटा सा लाइट जल रहा है और एक रिंग लाइट भी चल रहा है दोस्तों। तो इन सब लाइट को हम अपने बैटरी से इस्तेमाल कर रहे हैं और सारा जो कनेक्शन है दोस्तों वो हमारे बैटरी के थ्रू हुआ है, हमारे सोलर के थ्रू हुआ है, सोलर हमारे बैटरी को चार्ज कर रहा है और यूपीएस के थ्रू हम अपने पूरे घर में आउटपुट सप्लाई दे दिए हैं। अब इन सब के अलावा दोस्तों हमारे घर में एक टीवी भी चल रहा है जो कि हमारे दूसरे कमरे में चल रहा है, देख सकते हो 40 इंच एलईडी टीवी है दोस्तों। एक एयरटेल सेट टॉप बॉक्स भी चल रहा है, इधर भी देख सकते हो दोस्तों कनेक्शन ऑफ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ ये रहा दोस्तों हमारा मेन पावर सप्लाई, जहाँ से मैं जब भी क्या करता हूँ सुबह में अपना जो सप्लाई है यहीं से काट देता हूँ। नीचे की तरफ रहता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बीच में रहता है दोस्तों, अभी मैं बीच में भी करके दिखाऊंगा आपको। अगर दोस्तों ये बीच में चला गया तो समझिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गया। अगर मैं इसका कनेक्शन ऊपर की तरफ कर देता हूँ, मतलब इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ दोस्तों, तो ये हमारे जनरेटर के थ्रू चलने लगेगा। तो अगर आप भी दोस्तों मेन सप्लाई के पास ये डिवाइस लगा रखे हो तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा, अभी तक कोई वीडियो नहीं है इसके ऊपर। तो ये चेंजर का काम करता है दोस्तों, नीचे की तरफ आएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने लगेगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं अपना जो बिजली बिल है वो कम करता हूँ, मतलब कि पूरे दिन भर अपना जो लाइट है यहीं से काट देता हूँ। सो गाइस, सोलर के थ्रू हमारा जो बैटरी है वो चार्ज होते रहता है और यूपीएस के थ्रू हमारे पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चलते रहता है। तो इसी तरह से दोस्तों हम अपना बिजली बिल जो है वो 50% कम कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपका डिवाइस कम है, जैसे कि एक सेलिंग पंखा है, एक टीवी है और दोस्तों 4-5 LED है, तो आप दोस्तों एक ही सोलर पैनल से अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एकदम 0 रुपये कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।